कांत मिश्रा श्रीमती इंदिरा गांधी पटेल नगर अकोड़ा से फिर हाजिर हो रहे हैं संस्कृत की संधि को लेकर के, जिसमें आज स्वर संधि का पहला संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अ का मतलब है, अक का मतलब है अ से क तक, अ से क तक के बीच में जितने वर्ण आते हैं महेश्वर सूत्र के, महेश्वर सूत्र के उनमें से जैसे अ ई ऊ री। अब इन तीन चार शब्द आते हैं, चारों शब्दों में से हम लेते हैं जिसके साथ क्या जोड़ना है। नियम नंबर एक में बताया गया है अ ई ऊ री, रिक का लास्ट वर्ण है इसलिए हम इसको लेते नहीं हैं। अ ई ऊ री चार वर्ण आते हैं, चार वर्ण में चारों वर्णों के साथ यदि हम किसी वर्ण को जोड़ते हैं तो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा और चौथे के साथ चौथा हो जाता है। जैसे अ, अ के साथ अ को जोड़ेंगे तो अ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ समझाया गया है अ धन अ बराबर आ, या ई धन ई बराबर ई, या उ धन उ बराबर उ, री धन री बराबर री। या मान लीजिए जहां हमने लिखा है कि समान स्वर को जोड़ने पर दीर्घ हो जाता है। समान स्वर क्या है, जैसे अ धन अ, ये समान स्वर हैं, जिसे हम सजाती और विजाती कहते हैं। सजाती वाले शब्द जो हैं वो एक साथ जुड़ेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। पहले से पहला जोड़ने पर दीर्घ हो जाता है। पहला क्या है, पहला वर्ण अ है और दूसरा वर्ण अ है, तो पहले से पहले को जोड़ने पर आ हो जाता है। पहला अ धन अ बराबर आ, और दूसरे से दूसरे को जोड़ने पर ई धन ई बराबर ई, या तीसरे को तीसरे से जोड़ने पर ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, री धन री बराबर री, यानी चौथे के साथ चौथा जुड़ जाता है तो दीर्घ हो जाता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए जैसे पद है, पद में प्रथम पद और द्वितीय पद, पद पहला पद और दूसरा पद, जैसे धनार्थी धन धन अर्थी, यानी इसमें न को अगर पढ़ते हैं तो अ वर्ण निकलता है, न न अ आया, और न में अ छिपा हुआ है तो अ हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आ, ये हो जाता है धनार्थी। जैसे दूसरा उदाहरण है विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, अब दोनों पद को अलग करेंगे, विद्या और अर्थी, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद, दोनों पदों को जोड़ने पर विद्यार्थी हो जाता है। लेकिन अब इसमें जैसे हमने वहां नियम नंबर एक में बताया कि अ या आ को जोड़ने पर, तो आ धन अ बराबर आ, चाहे वो दीर्घ हो अथवा लघ हो, दोनों को एक साथ जोड़ने पर दीर्घ हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये हो जाता है विद्यार्थी। तीसरा उदाहरण क्या है, रविंद्र, जैसे नियम नंबर दो में है ई से ई को जोड़ने पर, ई से ई को जोड़ने पर रविंद्र, रवि धन इंद्र, तो ई छोटी और छोटी बराबर क्या हो जाएगा बड़ी, इसलिए ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं दीर्घ हो जाता है रविंद्र। या मान लीजिए ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, या री धन री बराबर बड़ा री, या ऊ री धन री बराबर बड़ी री, या री धन री चाहे छोटी री हो अथवा बड़ी री, दोनों को मिला करके दीर्घ ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये दीर्घ संधि कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर दो आता है आपका गुण संधि। गुण संधि में सूत्र है आद गुणक, यानी अ से लेकर के द, अ से द तक का मतलब हुआ कि इसके बीच में जो महेश्वर के सूत्र आते हैं वो होंगे। उसमें क्या आता है, नियम नंबर एक में है आद धन हस्व धन दीर्घ, चाहे आद अ से द तक के कोई वर्ण हो, या हस्व हो छोटा वर्ण हो, या दीर्घ बड़ा वर्ण हो, हस्व और दीर्घ दोनों हो उसमें से कोई भी वर्ण आद के साथ जोड़ने पर, हस्व और दीर्घ दोनों के साथ आद जोड़ने पर गुण हो जाता है। जैसे नियम नंबर दो में यहाँ समझाया गया है कि अ या आ, ये हस्व है ये दीर्घ है, यहाँ हस्व और ये दीर्घ, तो दोनों को हमने बताया अ या आ,
दोनों को देखिए, अब इसमें क्या जोड़ते हैं, ई ऊ री री, ये चार वर्ण इन दोनों के साथ कभी भी जोड़ा जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी। जैसे हमने ये सूत्र बहुत शॉर्ट में लिया है कि इसके साथ इसको जोड़ने पर क्या हो जाता है, तो जैसे अ या आ के साथ जोड़ने पर इन चारों वर्णों में कोई भी वर्ण जोड़ दिया जाए तो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा और चौथे के साथ चौथा हो जाता है। जैसा कि इंट्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ नोट कर दिया है, इनमें से किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ने पर पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा और तीसरे के स्थान पर तीसरा हो जाता, चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है, चाहे दीर्घ जोड़ा जाए अथवा लघु जोड़ा जाए, ह्रस्व अथवा दीर्घ, चाहे पहले दीर्घ आवे चाहे ह्रस्व आवे, दोनों के साथ इनको जोड़ने पर गुण संधि हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, राजेश, एक आध दो उदाहरण हमने यहां लिया है। जैसे सुरेश, सुरेश को दो पद में बांटते हैं, पहला पद दूसरा पद, पहला पद क्या है सुर और दूसरा पद है ईसर। अब सुर को पकड़ पढ़ते हैं तो र, र में अगर र को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें अवर्ण निकलता है, अवर्ण होने के नाते हमने यहाँ अ निकाल दिया, प्लस अब इसको चाहे यहाँ अ जोड़ा गया है, अब इसमें से कोई वर्ण जोड़ा जाए तो इसमें से कोई वर्ण क्या हुआ, पहला वर्ण ई है। यहाँ हमने बताया क्या है कि चाहे हस्त हो अथवा दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ कि लघु है, लघु है यानी हस्व है, हस्व को यहाँ जोड़ा गया या दीर्घ को जोड़ा गया तो दोनों के साथ नंबर पहले के साथ पहला, चाहे यहाँ दीर्घ हो जाए चाहे हस्व हो जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ हमने लिखा है इसमें से किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ने पर पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा और तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा हो जाए। बहुत ही शॉर्ट और सूक्ष्म रूप से समझ सकते हो इसको। जैसे यहाँ र में अ मिला और अ के साथ हमने ई को जोड़ा, तो इसमें अ या आ के साथ पहला वर्ण जोड़ा तो पहले के स्थान पर पहला। अगर मान लीजिए यहाँ अगर उ होता, यहाँ जैसे अ धन उ, अ धन उ है तो अब दूसरा वर्ण मिला तो दूसरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो यहां निश्चित है कि ओ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां दीर्घ या लघु या बड़ा होता तो यहां अ हो जाता, नहीं ओ ही होगा, अच्छा दीर्घ ही होगा। अगर इसके अलावा तीसरा नंबर देखते हैं, मान लीजिए अ या आ, मान लीजिए आ को री के साथ जोड़ते हैं, आ को री के साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, अकियर हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीसरा री है तो री के स्थान पर किसी वर्ण को जोड़ने पर अर हो जाता है तो यहां अर हो जाएगा। लेकिन अब इसी स्थान को देखिए, मान लीजिए कि अ में री को जोड़ेंगे तो यदि अगर री को जोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा, कब, जब अ या आ ह्रस्व अथवा दीर्घ के साथ जोड़ा जाएगा तब। जैसे उपेंद्र, उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, पहला पद क्या है उप, दूसरा पद क्या है इंद्र, अब क्या हो जाएगा, उप में अ मिला और ई मिल गया तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, ए, क्यों, क्योंकि पहले के साथ क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, इसलिए पहला ही नंबर होगा, नहीं समझे, अरे आ दीर्घ है, बिन चुन्नी के दीर्घ है एक चुन्नी गुण जान,
सुन्नी गुण जान, दो चुन्नी से वृद्धि है, बिन चुन्नी के दीर्घ है, एक चुन्नी गुण जान, दो चुन्नी से वृद्धि है यण की। यही पहचान और जो इससे बच जाए उसे हयाद जान। अब चुन्नी का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, चुन्नी माने होता है पाई, चुन्नी वो आकाश में उड़ने वाली चुन्नी नहीं है, चुन्नी माने पाई। पाई माने होता है मात्रा, मात्रा का मतलब है केवल ए आई की मात्रा, ए आई की मात्रा से। जैसे अगर देखा जाए बिन चुन्नी के दीर्घ है, जिसमें कोई पाई मात्रा नहीं लगी होगी वो निश्चित है कि गुण संधि होगा कि दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। कौन सी संधि?